असुर दैत्य राक्षस के बारे में हमें हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने के लिए मिलता है, रामायण महाभारत जैसे टीवी सीरियल में देखने के लिए मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज भी हमारे बीच में असुर रहते हैं। एक काका है, वो काका कहीं गए हुए थे तो ये तीर और धनुष ले करके वो गए हुए थे, तो हमने उन्हें देखा। क्या नाम है आपका? महरू। आप भी असुर जनजाति से हैं? अच्छा, तो महरू काका हैं और ये भी असुर जनजाति से हैं। आज की वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ के घनघोर जंगलों के बीच में रहने वाले असुरों की जीवन शैली दिखाने वाले हैं। दरअसल में इस वक्त भारत एक खोज यूट्यूब चैनल का टीम उत्तर छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रही है, और जब हमारा टीम जसपुर जिला पहुंचा तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि मनोरा विकास खंड के घनघोर जंगलों में असुर लोग रहते हैं। हम यह बात सुनकर काफ़ी दंग रह गए कि आज के समय में भी असुर कैसे हो सकते हैं। फिलहाल हमारी इसी जिज्ञासा को शांत करने और आप सभी को बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी देने के उद्देश्य से कुछ स्थानियों के साथ निकल गए असुरों को देखने के लिए। मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए इस बेहद ही खूबसूरत से और महत्वपूर्ण वाले एपिसोड में। तो साथियों, जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं कि मैं इस वक्त हूं उत्तर छत्तीसगढ़ में। उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा एक संभाग है और जसपुर जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करके पहाड़ों और पाठों को पार करके, पाठ होता है जो ऊँचा स्थान होता है, उनको पार करते हुए आज मैं एक ऐसे गाँव में पहुँचा हूँ जो गाँव है असुर जनजाति का। तो जी हाँ, असुर जनजाति हमारे देश में झारखंड, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, एकदम झारखंड का बॉर्डर है, गुमला यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, गुमला ज़िला। तो यहाँ पे कुछ असुर जनजाति के लोग रहते हैं, और आज के इस एपिसोड में हम इस जनजाति के बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये जनजाति किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं, कैसे पहाड़ों में रहते हैं और किस तरह से इनका दिनचर्या होता है, और तमाम चीज़ों को हम आज के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ महिलाएँ, कुछ बच्चे, छोटे बच्चे और कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, और मैं पहाड़ के ऊपर में हूँ, एक घर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस। असुर भारत का एक प्राचीन आदिवासी जनजाति समुदाय है जो कि झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र के घनघोर जंगलों में निवास करते हैं। असुर जनजाति को पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम जनजाति माना जाता है। इस जनजाति का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसके साथ ही इस जनजाति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी माना जाता है। असुर जनजाति काफी अनोखी जनजाति है। इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में सरकार के द्वारा रखा गया है, क्योंकि यह जनजाति भारत का सबसे प्राचीनतम जनजाति तो है ही, साथ यह जनजाति विलुप्ति के कागार पर पहुंच चुका है। खासकर इनकी भाषा बोली तो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। महज कुछ बुजुर्ग ही बचे हैं जो असुर बोली के कुछ गानों को जानते हैं। जब हम इन असुरों के गाँव में पहुंचे तब दो बुजुर्गों को बहुत ही ज्यादा निवेदन करने के बाद हमें कुछ असुर बोली के लोक गीत सुनाए। तो वो तोहरे असुर भाषा जानल है? अच्छा, चला असुर भाषा कर ये अरवा वाला कर एक ठू गीत बतावा। तो तो ई गीत के छुआ मन जाने कि नहीं जाने? इसे गीत के नहीं जाने, नुकर का कारण है? पूरा जाने, ई लेल नहीं जाने। ई तो तोहरे मने ई लेखे भाषा के अपन छुआ पुता के सिखाई कि के कभी सोचो था? तो एक और गीत गीत के देवा तो भाइयों, एक और गीत गीत के देवा। वर्तमान समय में असुरों की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार से 1,32,000 के आसपास है, जबकि छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। 1,000 से भी कम जनसंख्या इन असुरों का छत्तीसगढ़ में है। इनका जीवन अन्य जनजाति समुदाय से काफ़ी भिन्न होता है। असुर पहले लोहा गलाकर
औजार और हथियार बनाने में पारंगत थे, पर बदलते वक्त के साथ यह कौशल भी इनसे दूर होता जा रहा है। वनों पर आधारित असुर खेती किसानी करना सीख गए हैं और पहाड़ी क्षेत्र में अब ये खेती किसानी और मजदूरी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शिक्षा दर भी इन असुरों का काफी कम है। आज के इस एपिसोड में जुड़े हैं हमारे शिव चरण भगत जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक भी हैं। सर, आपका दिल से धन्यवाद। शिव चरण सर ने हमें वीडियो के माध्यम से ही देखा था। यूट्यूब में हम वीडियो जो डालते हैं उसमें हम लोग कई बार हमारा नंबर और हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी डिटेल रहता है, जिससे काफी लोग संपर्क करते हैं। तो ये शिव चरण भगत जी हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया और बताया कि असुर जनजाति के लोग मनोरा जो इनका विकास खंड है उसके एकदम नजदीक में है, 15 या 17 किलोमीटर की दूरी में। अच्छा, जसपुर से कितना दूरी होगा ये? जसपुर से लगभग 35 किलोमीटर लगभग होगा। 35 किलोमीटर। तो उन्होंने हमको बुलाया और बोला कि चलिए हम चलते हैं असुर जनजाति के पास और उनको कवर करेंगे, उनके दिनचर्या जानेंगे। तो दीदी, आपका क्या नाम है? कमला। कमला, तो जैसे कमला नाम के पीछे आप सिर्फ कमला लिखते हैं या और कुछ रहता है पीछे में? कमला बाई। तो असुर लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता नाम में? लिखाता है ना। अच्छा, एक बुजुर्ग हैं वो भी बता रहे हैं कि जैसे इनका नाम कमला बाई असुर है और ये एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। ये आपका बेटा है? बेटा है कि बेटी है? बेटा। बेटा है ना। अच्छा, तो ये आप ये पहाड़ों में रहते हैं दीदी, तो खाने राशन खाना के लिए कहाँ मतलब जाते हैं लेने के लिए? चावल वगैरह? गजमा। गजमा, तो पैदल जाते हैं यहाँ से? कितना दूर होगा? हाँ। अच्छा, आप लोगों को कुछ लैंग्वेज भी है, कुछ भाषा है? आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हिंदी में करते हैं कि कुड़ुक में करते हैं, उरांव वाले भाषा में करते हैं, कि आप लोगों का असुर का कुछ भाषा होता है? सादरी में ज्यादा करते हैं ना, बाकी असुर लोगों का लैंग्वेज भी होता है। ये बच्चा इसको माइक को पकड़ना चाह रहा है, ले बेटा पकड़ ले। चलिए, एक और अम्मा है, क्या नाम है आपका दीदी? मलमलिया भाई। मलिया भाई, मलिया भाई असुर। मलमलिया भाई। मलमलिया भाई असुर। तो आप ये पहाड़ों में कब से रह रहे हैं? कितना साल हो गया होगा? बहुत दिन हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी से। हाँ। तो आप कहीं से शादी होकर के आए होंगे? हाँ, तो आपका मायके किधर होगा जो आपका पुराना घर है? वो हाड़ीकोना है। वो भी पहाड़ में था क्या? हाँ, पहाड़ में जी। अच्छा, हाड़ीकोना। तो ये असुर जनजाति के लोग कुछ इस तरह से पहाड़ों में निवास करते हैं। बुजुर्ग हैं, उनसे जानकारी लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगा। बाबा, क्या नाम है आपका? धीरन। धीरन, धीरन, जैसे आप नाम के पीछे असुर भी लिखते हैं। हाँ। धीरन असुर। हाँ। तो थोड़ा अपने जनजाति के बारे में बताइए ना, किस तरह से आप लोग जीवन जीते हैं और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को यहाँ मिलता है और कितना तकलीफ आप मतलब सामना करना पड़ता है? तकलीफ तो लगता है, पानी उनी का सब मिलते नहीं है। तो जैसे ये पाठ है तो यहाँ पानी का तो बड़ा दिक्कत होता होगा? दिक्कत होता है। तो पानी कहाँ से लाते हैं? गड्ढा में है। अच्छा, तो उसी गड्ढे के पानी से? कितना दूर में है? बहुत दूर है। तो पीने का पानी वहीं से लेके आते हैं। हाँ। और खाना पीना में खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। क्या क्या खेती करते हैं? धान बुनते हैं। धान बोते हैं। और पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल आसपास में? गजमा। गजमा जाते हैं। गजमा कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से मास्टर जाने का कितना होगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, तो पैदल ही आना जाना करते होंगे लोग। अच्छा, तो ये पहाड़ों में रहना अच्छा लगता है आप लोगों को? पहाड़ में जो है तो। अच्छा, शुरू से पुश्तैनी रहते आ रहे हैं तो? नहीं, पहले से है तो पहाड़ी में। जी जी जी। चलिए, एक तो क्या सामान दिखा था मैं, क्या नाम है दीदी आपका? मुस्कान। मुस्कान, ये आपकी बेटी है जी? क्या नाम है? बेटी है कि बेटा है? बेटी है। सोनिया। आपका आपका एज कितना होगा दीदी? कितने साल के हो गए आप? 20 साल के। 20 साल के ना। अच्छा, चलिए, ये क्या है ये जो आपने लेके जा रहे हैं? ये चावल है। इसको क्या करेंगे? रोटी पकाएंगे। कोई त्योहार आने वाला है क्या? जी, माघ आने वाला। माघ त्योहार के लिए, तो कब करेंगे इसको? कल। अच्छा, कल ये त्योहार है, आज शाम को? तो कैसा होता है वो त्योहार? चलिए, शायद दीदी शर्मा रही हैं, बुजुर्ग से पूछते हैं किस तरह से त्योहार को मनाते हैं आप? त्योहार मनाते हैं मने नाच गान होता है। हाँ। और आप कोसना उसना भी बनता होगा? हड़िया उड़िया है। हड़िया उड़िया बनता होगा। हाँ। और पूजा पाठ भी करते होंगे? पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसने पीते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका कोई देवी देवता होता है? होता है, कैसे नहीं होगा। क्या देव है, क्या देवी देवता है? हाँ, क्या बोलते हैं तो उसको नहीं पहुँचा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो बैगा वैगा भी होंगे इस गाँव में? इसमें नहीं है, वो उस बस्ती में। उस बस्ती में है। तो ये गाँव का क्या नाम है? ये बुर्जू पाठ। Na
किनारे गे नायो मुनि हरला तो कना। असुर आदिवासियों की तीन शाखाएं हैं, बीर असुर, अगरिया और बिरजिया। झारखंड में बिरजिया को असुरों से पृथक एक अति पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि अगरिया को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के तहत वर्गीकृत किया गया है। बीर असुर शक्तिशाली लोग हैं जो असुर के नाम से भी जाने जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यों में भी लोहे को गलाने की कला को असुर विद्या कहा गया है। इसके इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लोहे को गलाना असुरों का परंपरागत पेशा रहा है। इसके अलावा गैर इमारती वन उत्पाद भी उनकी आजीविका के स्रोत। असुर आर्यों से भिन्न थे और सिंधु घाटी सभ्यता में बसने वाले सबसे शुरुआती समूहों में से एक थे। चूंकि असुरों ने नवागत आर्यों की राजनीतिक संरचना को अपनाने से इंकार कर दिया, इसलिए पहले उन्हें राक्षस या दैत्य करार दिया। एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि 17-18 घर यहाँ पे है, शायद तक एग्जैक्ट पता नहीं है, 12 भी हो सकते हैं। फिलहाल एक ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे ये पैरा जो रखा गया है, धान का जो बाली होता है, धान का जो पौधा होता है, वो उसको सुखा करके ऐसा रखा जाता है। और उसके नीचे में कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे कुछ काम कर रही हैं, तो उनसे हम जानेंगे क्या कर रहे हैं वो और किस तरह से है उनका। दीदी जोहार, क्या नाम है आपका? बिरसी। बिरसी, ये क्या कर रहे हैं दीदी? चटाई बना था। चटाई बना रहे हैं? हाँ। तो इसको बेचते हैं कि नहीं? घर में बैठी। अच्छा, घर उपयोग के लिए घर में बैठते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, त्योहार व्योहार भी आने वाला है आपका? हाँ, वो थे त्योहार। कब होगा? कल है। कल होगा ना? हाँ। चलिए ठीक है। इधर और एक दीदी है, बैठी है। अच्छा, आप नहीं बना रहे हैं? क्या नाम है आपका? केंदो। केंदो, आप भी असुर जनजाति से? हाँ। केंदो असुर बोलते हैं ना? हाँ। जी, और एक बुजुर्ग महिला है, ये दादी सुनती हैं कि दादी जय जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? नुहरी। नुहरी। हाँ। क्या कर रही है दादी? पटिया गाथा था। पटिया बोलते हैं इसको? हाँ, हाँ। अच्छा, तो दादी पटिया मैंने चटाई बना रही है। ये कितना दिन में बन जाता है दादी? महीना भर लग जाता है। अच्छा, तो इसको बेचते भी हैं कि नहीं? घरे दस साइड घरे में बैठते हैं। हो। अच्छा, कितना उम्र हो गया होगा दादी आपका? नहीं जाना बाबू मैं। अच्छा। हाँ। आपके कितने बाल बच्चे हैं? दुए जन हैं। दुए जन। हाँ। कहाँ हैं उन लोग अभी? काम वाम में गए? काम आ गए हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है दादी। असुर जनजाति के लोग आज भी पहाड़ क्षेत्रों पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीवन खतरे में है और अभी भी वो मूलभूत सुविधाओं के मोहताज। राज्य में इस जनजाति की जनसंख्या 1000 से भी कम है, इसके बावजूद उन्हें शासन प्रशासन के द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। आया ते गिजो किनी बेरा ही जो।